तो एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट हैं हमारे पास 2, 3, 4, 1, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दो पॉइंट आपको गिवन है इनको कोई एक नाम दे दीजिए। 2, 3 को मैंने क्या नाम दे दिया, ए, और जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको मैंने नाम दिया बी। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हमें डिस्टेंस निकालनी है ए से बी के बीच की, ए बी डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया है, वो फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। अब x2 - x1 y2 - y1, तो जो आपको यहाँ पर पॉइंट गिवन है उनमें से ये होता है हमारे पास x1, ये होता है y1, ये है हमारे पास x2 और ये है y2। ओके, फिर से दो पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट का मैंने नाम रख दिया ए और बी। ओके, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, इसका क्या नाम था, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, नाउ x2 x1 y2 y1, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन में कहाँ है। तो आंसर है कि ये x1 होता है ये y1, ये x2 होता है ये y2। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। अंडर रूट x2 हमारे लिए कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 पुट करना, y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गया 3, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये तो। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, 4 - 2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर चल रहा है, ठीक, प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको, 2 का स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, नाउ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का नंबर है लेकिन पावर इवन है, तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, आंसर है प्लस 4। तो ये कितना आ गया, 4 + 4 कितना 8, ये समझ आ रहा, ठीक। अब इसके बाद 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं वो क्या होता है 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2, इतना यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा, 2√2 यूनिट। ठीक है, कैसे किया, फिर से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ये दो पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट का हमने नाम रख दिया ए और बी। ठीक, इसमें जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर लिख लिया करो आप x1 y1, दूसरे पॉइंट के ऊपर लिखना होता है क्या x2 y2, ये याद रखने के लिए लिखना है हमें। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, वो क्या आया था कि अगर दो पॉइंट हैं ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो वो फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद x2 x1, ये वैल्यू यहाँ से देखते जाइए और यहाँ पुट करना है, इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स से प्लस माइनस करना है और आपके सामने क्या आंसर आ जाएगा, 2√2 यूनिट आंसर आ जाएगा। ओके, तो एक और पार्ट ले लेते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसका सेकेंड पार्ट जो हमारे पास हुआ करता है वो है -5 - 7 - 5 - 7 और दूसरा पॉइंट है -1 - 3, ये ठीक है, -5 - 7 - 1 - 3, ये दो पॉइंट हमारे पास हैं। ओके, फिर से कैसे करेंगे, तो आंसर है सबसे पहले तो इन पॉइंट्स का कुछ नाम रख दिया हमने,
माइनस फाइव सेवन का नाम हमने क्या रखा ए, और जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम हमने क्या रख दिया बी। ठीक, सबसे पहला काम तो ये करना है, ये समझ में आता है। ओके, नाउ सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर यहाँ अपना याद रखने के लिए रख दो एक्स वन वाई वन, इसको रख दो एक्स टू वाई टू, ऐसे लिख लिया करो, है ना। बोर्ड में भी आप ऐसे लिख के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, बिल्कुल आसान है यहाँ तक। इसके बाद हमें डिस्टेंस निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो आंसर है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ए और बी दो पॉइंट हों तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में बस अब मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ और आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, अंडर रूट एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू कितनी माइनस वन, एक्स वन कितना माइनस फाइव, माइनस फाइव ये लिखा मैंने। ठीक ठीक, प्लस वाई टू, वाई टू की वैल्यू कितनी है थ्री, माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है सेवन, इसका होल स्क्वायर। ये समझ आया, एक्स टू की वैल्यू कितनी है माइनस वन और एक्स वन की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव, वाई टू कितना है थ्री और वाई वन कितना है सेवन, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करना है सिंपल इसको, ये माइनस वन है और ये माइनस मिल के प्लस फाइव, इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर थ्री में से सेवन माइनस करेंगे तो माइनस का फोर का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। इसके बाद प्लस का फाइव माइनस का वन क्या आएगा, प्लस का फोर। ठीक, माइनस फोर ये इसको अभी ऐसा ही लिखा मैंने, ये समझ आ रहा है आपको। ठीक है, माइनस वन प्लस फाइव प्लस फोर और ये माइनस फोर का स्क्वायर मैंने अभी ऐसा ही लिख दिया। अब इसके बाद आगे देखिए, फोर का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा सिक्सटीन, ये माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आएगा सिक्सटीन और ये अंडर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा, बिल्कुल आसान है इसको करना। अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, थर्टी टू, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन कितना हो जाएगा थर्टी टू हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिक्सटीन इंटू टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 इंटू टू कितना होता है 32, तो ऐसे लिख सकते हैं। और 16 का आप स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं, वो कितना होता है 4, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, तो अंडर रूट में क्या बच गया केवल 2। ठीक है, 16 का तो स्क्वायर रूट ये लिखा हुआ है, अंडर रूट में क्या बच गया 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतना यूनिट। ठीक है, ये यूनिट क्या लिख रहा हूँ मैं, हम क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस जो होता है उसकी कुछ ना कुछ यूनिट रही होगी, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ सोचा होगा, है ना। तो लेकिन वो अभी हमें नहीं पता कि हम किस में ले रहे हैं, है ना, या तो इसलिए हमने क्या किया, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इन सब की जगह कोई एक नाम रख दिया है, सिंपल कोई भी यूनिट हो सकती है। ठीक है, वो अभी यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा दो पॉइंट गिवन होते हैं, उनका ए और बी नाम रख लो, है ना, ऊपर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लिख लो, इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और वहाँ पर वैल्यू पुट करके सिंपल प्लस माइनस करो, आंसर सामने आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन हुआ करता है, इसी का ही थर्ड पार्ट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास है, ए बी माइनस ए माइनस बी, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तब क्या करना है देखिए ध्यान से, फिर से मेरे स्टेप वही रहते हैं सेम। क्या करना है, सबसे पहला जो पॉइंट है उसको ए नाम रखना है, ए बी, दूसरा जो पॉइंट है ठीक है उसको क्या नाम रखना है बी नाम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको एक्स वन वाई वन लिख लिया करो और इसको एक्स टू वाई टू लिखना है, ये करना बिल्कुल आसान है, ये वही स्टेप रिपीट कर रहा हूँ मैं, है ना। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो आंसर है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे हमने क्या पढ़ा है, ए बी,
इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, सिंपल प्लस माइनस का ध्यान रखना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा दिखाता हूँ आपको। देखिए x2 हमारे पास क्या है, माइनस a, ये लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस x1 हमारे पास क्या है, a, ठीक, प्लस y2 हमारे पास क्या है, माइनस b, माइनस y1 हमारे पास क्या है, b, ठीक, इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे सॉल्व करो। देखिए माइनस ए और माइनस ए मिलकर ये कितना हो गया, माइनस का 2a, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर, प्लस यहाँ भी देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस बी और माइनस बी ये मिलकर कितना बन जाएगा, माइनस का 2b, इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। ठीक, फिर से x2 और x1 की वैल्यू यहाँ पुट की, y2 और y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस ए और माइनस ए कितना, माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस बी और माइनस बी मिलकर कितना, माइनस 2b, इसका क्या, होल स्क्वायर। ओके, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4, और a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 4, बी का स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान था करना। ओके, इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा अंदर, ए स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा हुआ है, तो आंसर है बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। ओके, अब 4 का स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं वो कितना होता है, 2, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, आंसर है अंडर रूट में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना यूनिट डिस्टेंस रही होगी इन दोनों पॉइंट के बीच में। ठीक है, फिर से स्टेप्स बता दे रहा हूँ, माइनस ए माइनस 2a, माइनस बी माइनस 2b, माइनस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, इन दोनों में से 4 कॉमन, ए स्क्वायर बचा बी स्क्वायर बचा, 4 का स्क्वायर रूट 2, अंदर क्या बचा, ये है। ठीक, तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था, ये था फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 00 एंड 3615। दो पॉइंट हैं हमारे पास, 00 एंड 3615, ठीक है, ये दो पॉइंट अगर टाउन ए के कोऑर्डिनेट और टाउन बी के कोऑर्डिनेट लेकर किए जाएं, तो उन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ये है सपोज दैट टाउन ए के कोऑर्डिनेट और ये है सपोज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ टाउन बी, है ना। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड टाउन बी, आंसर है यस। x1 y1 इसका नाम रख देते हैं हम, और ये x2 y2 इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, ए बी के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पुट करने पर क्या होगा, x2 की वैल्यू कितनी है, 36, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 15, माइनस y1 कितना है, 0, इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल आसान है डिस्टेंस निकालना। नाउ क्या बचा हमारे पास, 36 माइनस 0 कितना, 36 स्क्वायर
प्लस 15 माइनस 0 15 स्क्वायर, ये आ जाएगा। बिल्कुल आसान है ऐसा करना, ठीक है। अब इसके बाद 36 का स्क्वायर चल रहा है, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, ठीक। और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, है ना। ये आप स्क्वायर करके देख सकते हैं इसके, ये ठीक लिखे हैं। इसके बाद स्क्वायर रूट, इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करके कितना आएगा 1521, ये आ जाता है। और 1521 का स्क्वायर रूट निकालिए आप, ये आ जाएगा आपके पास 39, ठीक। तो अगर दो टाउन हैं ए एंड बी, उनके कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। आंसर है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करेंगे और थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा 39। तो उन दो टाउन के बीच की डिस्टेंस कितनी रही होगी 39 यूनिट रही होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आप। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर कोलिनियर। थ्री पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है या हमें पता करना है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है। कोलिनियर, इस कोलिनियर का क्या मतलब होता है? तो कोलिनियर का मतलब मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट ये जो पहला पॉइंट है ये ए है 15, दूसरा पॉइंट का हमने क्या नाम रख लिया बी, और थर्ड पॉइंट है हमारे पास -2 -11। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पर हैं, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? मैंने माना कि ये तीनों एक ही लाइन पर हैं इस तरह से ए बी सी, ठीक, ए बी सी इस तरह से एक ही लाइन पर हैं। अगर ये एक लाइन पर हैं तो ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर, ठीक। अगर ये एक लाइन पर हैं और ये कोलिनियर हैं, इस बात का मतलब ये है कि ए बी और बी सी को अगर ऐड किया जाए, ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस को अगर ऐड कर लूँ, तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए? आंसर है ए सी के इक्वल आनी चाहिए, है ना। ए बी प्लस बी सी, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करें तो ये टोटल के इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा आ गया, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं और ये क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बी सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इन तीनों डिस्टेंस को निकाल कर इस कंडीशन में रख कर देख लेते हैं। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि ए बी सी कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, ए बी निकालना, ठीक। तो ए बी निकालने के लिए हमारे पास दो पॉइंट चाहिए हमें, एक तो ए पॉइंट और दूसरा बी पॉइंट, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख लिया, ओके। नाउ ये होगा एक्स वन वाई वन, ये होगा हमारा एक्स टू वाई टू, ऐसे करते हैं हम, ठीक। इसके बाद हमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये हुआ करता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। बिल्कुल आसान है यहाँ तक करना। अब इसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x1 कितना है 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर, ठीक। ये समझ आ रहा है, बिल्कुल आसान है, डिस्टेंस निकालना आप सीख चुके हो। इसके बाद अंडर रूट 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 इसका स्क्वायर चल रहा है, 3 माइनस 5, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या माइनस का 2 इसका स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करो आगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट 5, 4 और 1 मिलकर कितना आ गया अंडर रूट 5। इतना यूनिट कोई डिस्टेंस है, कौन सी वाली डिस्टेंस, ए बी, ठीक। ए बी हमने निकाल लिया, अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बी सी की। तो बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी सी के लिए मुझे कौन कौन से पॉइंट चाहिए, बी पॉइंट, बी हमारे लिए क्या है 2 3, ठीक। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है हमारे लिए -2 and -11, ये समझ आता है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है,
इसमें एक्स वन वाई वन लिख लेंगे इसको, और इसको एक्स टू वाई टू ऐसा लिख लेंगे। ये समझ आया? अच्छा, अब इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, कौन सी डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम? बी सी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी सी। बी सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये हुआ करता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, अंडर रूट ऐसे ही, ठीक है। एक्स टू हमारा क्या है? आंसर है माइनस टू। माइनस एक्स वन कितना है? टू, टू इसका स्क्वायर। ठीक, वाई टू कितना है? माइनस इलेवन। माइनस वाई वन कितना है? थ्री इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये मैंने क्या किया? वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल आसान है ये तो समझना। अब इसके बाद क्या करना है हमें? माइनस टू, माइनस टू कितना? माइनस फोर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस इलेवन माइनस फोर कितना? माइनस फोर्टीन इसका होल स्क्वायर। ये भी समझ आता है बड़े आसानी से। अब इसके बाद क्या करना है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस फोर का स्क्वायर कितना होता है? प्लस का सिक्सटीन। ठीक है, माइनस फोर्टीन का स्क्वायर कितना होगा? प्लस का 196, ये आ जाएगा। ठीक, ये समझ आया आपको? अब इसके बाद आगे देखिए, ये कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो? अंडर रूट वन टू वन टू, इतना यूनिट ये आएगा। ठीक है, 16 प्लस 196 कितना आएगा? 212, इतना यूनिट आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत है? एसी की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम एसी निकाल लेते हैं। एसी हमारे पास क्या है देखिए, नेक्स्ट एसी, ए ए पॉइंट है हमारे पास 15, सी सी पॉइंट है हमारे पास माइनस टू माइनस इलेवन। ठीक, ये हमारे पास पॉइंट है। ओके, देखते हैं कैसे करना है। ए के ऊपर क्या लिख लेंगे? एक्स वन वाई वन, बी सी के ऊपर एक्स टू वाई टू। ठीक, ये समझ आया? अब हमें क्या करना है? ए सी डिस्टेंस निकालनी है। ए सी तो अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं। अंडर रूट एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू कितनी है? माइनस टू। माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है? वन इसका होल स्क्वायर। प्लस y2 कितना है? माइनस इलेवन। ठीक है, माइनस y1 कितना है? 5, ये आ गया इसका क्या? होल स्क्वायर। ठीक, ये समझ आता है। आगे माइनस टू और माइनस वन, ये मिलकर कितना बन जाएगा? माइनस थ्री का स्क्वायर। प्लस माइनस इलेवन एंड माइनस फाइव, ये कितना बन जाएगा? माइनस का 16 इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस थ्री का स्क्वायर कितना आएगा? 9। ठीक, और माइनस 16 का स्क्वायर कितना आएगा? माइनस प्लस का 256। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 265, इतना यूनिट। ठीक है, ये कंडीशन में हमने रख लिया इसको। अब इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, वो कंडीशन थी ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो रख के देख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल प्रूफ करना था? ए सी के। तो ए बी का आंसर कितना आया था? रूट फाइव, रूट फाइव। बी सी का आंसर कितना आया? रूट टू वन टू, ये आया। अच्छा, ए सी का आंसर कितना आया है? ए सी का आंसर आया है अंडर रूट 265।
है ना, ये हमारे आंसर आए हैं। तो इन दोनों आंसर को अगर हम अगर देखें तो इक्वल के इधर यहाँ और इक्वल के इधर यहाँ जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं आई। ठीक, अगर ये क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं आई हैं तो हम कहेंगे कि ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ए बी सी पॉइंट कैसे नहीं है, कोलिनियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो किस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तो आंसर है वो ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को प्लस करें तो वो किसके इक्वल नहीं आ रहा है, ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ए बी और सी पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं है। ठीक, ये बात आ गई आपको समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैसे किया, ए बी और सी तीन पॉइंट गिवन थे। ओके, ए बी सी मैंने माना पहले कि ये कोलिनियर रहे होंगे, अगर ये कोलिनियर होंगे तो ये ए बी प्लस बी सी इनका सम, डिस्टेंस का सम किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। ठीक, तो मैंने पहले ए बी कैलकुलेट किया, बी सी कैलकुलेट किया, उसके बाद ए सी कैलकुलेट किया, तीनों को यहाँ पर प्लस करके ए बी और बी सी को प्लस किया और फिर ये चेक किया क्या कि ये ए सी के इक्वल आता है, तो आंसर है इस क्वेश्चन में ये ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ए बी और सी कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया एक।